गाइस, मैं यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ और इससे पहले जब मैं आया था तो पानी बहुत साफ था। कल परसों बारिश होने की वजह से पानी गंदा हो गया। आज मेरा एक्चुअली परमिशन है तो मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कि मुझे कौन से वाले बीट में परमिशन है। मैं आज द्रंग आया हूँ। ओके, देखते हैं आज कैसा मजा आता है। मेरा एक फ्रेंड भी है मेरे साथ, ये काफ़ी दूर से आया है, इसी एरिया से बिलोंग करता है, ताकि यूसमर्ग के साइड से रहता है, तो मेरे से तो चला नहीं जा रहा, इसके लिए ये चीज़ें आसान सी लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर कोई द्रंग आना चाहता है तो यहाँ पावर स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर गाड़ी लेके आ सकता है। इस वाले रास्ते से नहीं, ये दूसरा, इस वाले रास्ते से लेके जा सकते हैं, इधर पोल तक आ सकते हैं जो येलो कलर का दिख रहा है आपको। ये देखिए, हाँ, ऊपर जितना जा रहे हैं उतना पानी साफ होता जा रहा है। देखते हैं क्या होता है आज। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे मोस्टली फिशिंग करते हैं। ये एक बेस्ट स्पॉट है द्रंग में और मिडल बीट में आता है। यहाँ अक्सर बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। ये एक और जगह पे हम पहुँच गए, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। काश हम यहीं पे रह रहे होते तो रोज़ ही फिशिंग करने जाता। ये स्नेल है, मैंने पहली बार देखी इतनी बड़ी। यहाँ मैं आया हूँ ऊपर काफ़ी कैंप से, तो यहाँ पे दो नाले निकलते हैं, एक वहाँ लेफ्ट साइड से निकलता है उस तरफ और दूसरा इस तरफ है, दो नाले हैं। तो ये वाला पानी गंदा हो गया काफ़ी, तो वो वाला जो ऊपर है उस तरफ वो साफ पानी है। पहले हम साफ वाले पानी में ट्राई करेंगे। ये देखिए गाइस, ये दो नाले यहाँ पे अटैच होते हैं, ये एक लेफ्ट साइड से आता है और ये यहाँ से आता है, एक राइट साइड से आता है, ये वाला यहाँ से आता है, लेकिन इस वाले का पानी बहुत साफ है, बहुत साफ है। ओके, ये गाइस, ये हमारा फ्लाई बॉक्स है, तो इसमें आज चूज़ करेंगे हम कौन सा लगाएंगे। वैसे मोस्टली तो लोग प्रिंस निम भी यूज़ करते हैं, एक निम तो हमारा लग गया, ये हमारा दूसरा निम फ्लाई लग गया, रॉयल कोचमैन।
ओपनिन ओपन ओपनिन तो काम आपस में और